मामा जी कैंड इन भेज दो। भेज नहीं हटा अच्छा, मैं एक बार और जरा दूसरी। मसीह में आप सबको सलाम। ये एक हो बड़ा अलमनाक हादसा हुआ है इतिहाद केमिकल के चर्च के साथ। इतिहाद केमिकल के चर्च के साथ चाड़ दो। ये इन्होंने बगैर किसी वजह से, बगैर किसी बात के, बगैर किसी भी रंजिश के, इन्होंने खुदा के घर की बेरुमती की है। आप देख सकते हैं ये देख के साथ लेकर इसे तोड़ा और लॉकडाउन का फायदा लेते हुए। ये लॉकडाउन की वजह से चर्च बंद थे। हम हुकूमत के ताबेदार रहे हैं। हमने कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हो। आप देख सकते हैं कि इन्होंने देखे खुदा के घर को कैसे गिराया है और कैसे खुदा के घर की बेहरमती की है। ये मुल्क पाकिस्तान के सब बहन भाइयों, मसीही बहन भाइयों के लिए एक आज सवाल है और मैं उनसे जवाब चाहूँगी कि इस सवाल का जवाब सिर्फ़ आप देंगे कि इसका हमें क्या करना है। आप देख सकते हैं खुदा के घर का क्या हाल हुआ है। यहाँ पर सारे लोग, हमारे पास्टर साहबान, सारे लोग परेशान हैं कि किसी बगैर वजह के इन सब ने किया है। ये देखें, ये पहले पीछे से दीवार, पीछे की दीवार है जहाँ पर उन्होंने झूठ बोलकर कहा कि ये हम दीवार कराने, यहाँ पर गेट लगाने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं भाई सारे अंदर बुलाने पड़े पाई साहब। ये देखें आप, ये देखें, ये इंटर का डेट बड़े सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ ये सब कार्रवाई की गई है और झूठ बोलकर ये लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया गया है। हमने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जो कि कानून की खिलाफ वर्जी हो। ये देख सकते हैं आप, और इसमें देखें ज़रा ये सब क्या हुआ है। ये आपको, आप देख सकते हैं, ये सारे हमारे मसीही बहन भाई हैं, बेटे बेटियां हैं जो इस वक्त परेशान हैं। मैं मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से इल्तमास करती हूँ कि इंसाफ किया जाए। वज़ीर आला पंजाब, इन सब के साथ मैं बात करती हूँ कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। देखें ये क्या 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 तहफ़ है, ये तहफ़ है। मैं पूछती हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, ये तहफ़ है हम लोगों का हर जगह पर, हमें ही क्यों? ये आपको जवाब देना होगा।